किस सिलसिले में आज यहाँ पे इंडस्ट्रीज विजिट हुआ है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं सर। देखिए जी, हम इंडस्ट्रीज विजिट के लिए नहीं आए हैं। हम लेबर डिपार्टमेंट का जो दायित्व है, हमें मतलब लेबर के हित में जो हमारे लेबर लॉज हैं, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सिलसिले में हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। आज हम यहाँ आए थे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमने प्रोविडेंट फंड ऑफिस का दौरा किया, हमने लेबर ऑफिस का दौरा किया, उसके बाद हमने एक दो फैक्ट्रीज का भी, और यहाँ पे ये सीमेंट प्लांट है, यहाँ भी आए। तो हमारा ये है कि क्या इन बच्चों का जो यहाँ पे काम करते हैं, ये लेबर्स हैं, क्या ये मिनिमम एज इनकी है 14 साल से कम तो उनको ही नहीं है। और दूसरा हम इसमें ये देखते हैं क्या इनको मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं जो प्रिस्क्राइबड गवर्नमेंट की तरफ से है, क्या अलग अलग रेट्स हैं। तीसरा हमने ये देखा क्या लेबर लॉज जो बाकी हैं, ग्रेचुटी एक्ट बाकी हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी, क्या प्रोविडेंट फंड इनका कटता है, क्या इनका सब्सक्रिप्शन और एम्प्लॉई का सब्सक्रिप्शन पर मंथ जाता है। उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी, क्या ESI का शेयर कटता है, क्योंकि जो ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ये काम सीमेंट फैक्ट्री भी है उसमें आती है, जहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है, बीमारी का ज़्यादा खतरा रहता है। तो हम यहाँ आए तो हमने यहाँ पे देखा इनके इस फैक्ट्री में 65 एम्प्लॉइज़ हैं, 65 का ESI कटता है। जैसा कि सर आपने यहाँ पे अभी देखा कि लोकल्स जो आपके मुताबिक पूरे 65 है, लेकिन लोकल्स नॉन लोकल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमारा डोमेन नहीं है, लोकल्स कितने होने चाहिए और उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, हमें उसके वेजेस दिए जाते हैं, तो इन्होंने ऐसी कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं की। हाउएवर, अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसी ये कंप्लेन है, तो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो यहाँ के हैं, इनको मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये फिलफोर वहाँ कार्रवाई करेंगे, चाहे चाइल्ड लेबर कोई है उसको चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, चाहे किसी के वेजेस जो ड्यू हैं, अग्रीव्ड हैं उसके, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उस पर भी कार्रवाई। जैसा कि सर आए दिन जहाँ पे लोकल जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमें भी कई बार कंप्लेंट्स आती, बल्कि सोर्सेज के थ्रू पता चलता है कि उनको ये लोग हरेसमेंट करते हैं, उनको पोल्यूशन में ज़्यादा, उनको यहाँ पोल्यूशन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस पर क्या कहते हैं? हमने इनको पहले, हमने खुद भी देखा मास्क पहनी हुई थी जो इस वक्त काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई खुद नहीं पहनता है या अगर किसी को मैनेजमेंट ने नहीं दिए हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हम कहते हैं। जैसा सर देखा हमने मास्क पहने, जैसा आपने देखा कि इनको पहले से ही खबर होती है कि आज यहाँ पे रेट वगैरह आने बजने वाली है या कुछ ऐसा भी है, तो इनको पहले से इन्फॉर्म किया होता है, कुछ ऐसे एंटी एलिमेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी पता नहीं था, जब मैं प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में घुसा तो मेरा प्रोविडेंट फंड असिस्टेंट कमिश्नर आया ही नहीं था, वो बुखार से आज बीमार है, ऐसे आपको खुद ही पता चलेगा कि कोई प्री इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं था।